हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून आप सभी को। एक बार मेरे सभी साथियों को प्यारी सी गुड मॉर्निंग है और प्यारा सा ही गुड आफ्टरनून है। तो जल्दी से मेरे सभी साथी एक बार फटाफट से कनेक्ट हो जाएंगे और उसके बाद आज की जो चीजें हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे जितने भी साथी हैं जो भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, एक बार फटाफट से बता दीजिएगा कि सारी चीजें क्लियर हैं, एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी मेरे साथी अभी मेरे साथ में जुड़ चुके हैं उन सभी को प्यारी सी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून है। सेशन को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और दूसरे सभी साथियों को भी बता दीजिएगा कि सर जो है वो क्लास में आ चुके हैं। देखिएगा आज का सेशन ना बहुत बेहतरीन होने वाला है, ठीक है। बहुत सारी चीजें इसमें आप लोगों को आज सीखने को मिलने वाली है, बहुत सारी चीजें मैंने इसके अंदर आपकी नहीं डाली हुई है जो आज आप लोगों को सीखने को मिलेंगी। और उसके साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, आप लोगों का रिविजन है। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए सबसे पहले एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको दे देता हूं। क्लास आप लोगों की डेली सुबह 6 बजे होती है, किन्हीं कारणों की वजह से 12 बजे आपकी करनी पड़ रही है, याद रखेंगे सारी चीजों को। ये टाइम टेबल है आप लोगों का जिसको आपने फॉलो करना है। अब चूंकि आज फ्राइडे है तो आज 2 क्लास एक्स्ट्रा है आप लोगों की। अगर मैं बात करूंगा तो 5 बजे आज शाम को 5 बजे मैं मई के डेज एंड डेट आप लोगों को कराने वाला हूं। आज शाम को 5 बजे मई के डेज एंड डेट आपको कराने वाला हूं। और दूसरी चीज क्या है आप लोगों की यहां पर, कि जो हमारा 8 बजे का सेशन है आज यहां पर स्टैटिक जीके के 501 क्लास कराऊंगा, मैराथन क्लास कराऊंगा जो कम से कम 6 घंटे तो चलेगी, उसके बाद डिपेंड करता है सारी चीजों पर, ठीक है। तो दोस्तों ये आप लोगों का अनअकैडमी पर 2 टेस्ट हैं, सुबह 7:30 बजे आज भी हुआ था और 2 बजे आप लोगों का स्टैटिक जीके का टेस्ट है, ये आपको देना है। उसके लिए अनअकैडमी की आपको डाउनलोड कर लेना है दोस्तों। डाउनलोड करने के बाद SSC एग्जाम गोल सेलेक्ट करना है और जब आपसे कोड मांगा जाएगा प्री क्लास के लिए तो GC10 कोड आप लोग यहां पर लगा देंगे साथियों। ये बैच है आप लोगों का जिसमें मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं पॉलिटी। आज मैंने इसके अंदर आपको स्टेट गवर्नमेंट का चैप्टर पढ़ाया है, कल मैं आप लोगों को यहां पर CM वगैरह पढ़ाने वाला हूं। तो जो साथी बिल्कुल बेसिक से बेहतरीन तरीके से हैंड रिटन नोट्स, ठीक है, साथ के साथ नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप लोग मेरे दोस्तों जुड़ सकते हैं, अभी पॉलिटी चल रहा है और दोस्तों यहां पर जो आप लोगों का है ये 30 जून तक पॉलिटी में खत्म करवा दूंगा। SSC रेलवे DSS भी, ये सब चीजें सुबह 10:30 बजे ही आप लोगों का बैच होता है। GC10 के साथ में आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जिसमें आपको लाइव क्लास मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेंगी और दोस्तों डाउट क्लियरिंग सेशन जो 1-to-1 मेरे साथ में ही होगा आप लोगों का, या जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ोगे तो उनका 1-to-1 होगा। इसमें आपको मैथ, रीजनिंग, GK, इंग्लिश एक ही सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा, मतलब आप एक सब्सक्रिप्शन जब लेंगे उसमें आपको सारे सब्जेक्ट एक साथ मिल जाते हैं। और दोस्तों सब्सक्रिप्शन जो है 1 साल आप लोगों के लिए ये है, 2 साल आप लोगों के लिए ये है, 4 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी अभी मिल रही है आप लोगों को। और GC10 आप लोगों का जो है कोड है इसको ध्यान में रखेंगे, बाकी किसी अन्य एग्जाम के लिए भी आप लोग GC10 कोड को यूज कर सकते हैं। ये संडे को टेस्ट होता है 12 बजे, स्कॉलरशिप टेस्ट है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी, SSC बैंक रेलवे का कॉम्बो है, ध्यान रखेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं अभी हमारी नजर है किन किन एग्जाम पर, आपके जो अपकमिंग एग्जाम है, CHSL का एग्जाम है, CGL का है, MTS है, स्टेनो है, GD है दोस्तों, रेलवे, NTPC, रेलवे ग्रुप डी, UPSI, UPASI, ये दोनों फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं, इन दोनों फॉर्म को भर भी सकते हैं। और UPPSC की डेट आ चुकी है 24 अक्टूबर, बाकी एग्जाम भी इसके अंदर एड ऑन करूंगा। तो ये सभी एग्जाम को हम ध्यान में रख करके चल रहे हैं, मैक्सिमम चीजें आपकी कवर होंगी, ध्यान रखिएगा। दोस्तों अब सेशन को शुरू करते हैं, यहां पर जल्दी से मेरे सभी साथी जो जुड़ चुके हैं उन सभी को एक बार प्यारी सी गुड मॉर्निंग है, प्यारे सा गुड आफ्टरनून है। मेरे को साथी सोच रहे होंगे कि सर सुबह को क्लास नहीं होती, कई बार बड़ी दिक्कत हो रही है। हाँ दोस्तों उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन मैं भी कुछ नहीं कर सकता उसमें। देखो दिक्कत हो रही है नो डाउट, और बुरा भी लगता होगा, क्योंकि मुझे जब खुद से बुरा लगता है तो आपको कितना लगता होगा, ये बात भी फैक्ट है। तो दोस्त क्या होता है कि सुबह लाइट नहीं थी, ठीक है, अब लाइट थी नहीं जब क्या कहते पूरी रात भर लाइट नहीं आई। अब इन्वर्टर था लेकिन वो डाउन हो चुका था इतना कि 15 से 20 मिनट क्लास चलाता, और 15 से 20 मिनट अगर वो क्लास चलती और वो फिर बंद हो जाती तो फिर कहीं ना कहीं चीजें बड़ी मेहनत से ये PPT बनती है, 5-6 घंटे लगाता हूं, तो इसको मैं खराब नहीं करना चाहता था बिल्कुल भी, ठीक है। तो इसलिए वो क्लास खराब ना हो इस वजह से मैंने सेशन को 12 बजे करवा दिया। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, अब आप बोलोगे सर एक दूसरा इन्वर्टर, हाँ बिल्कुल दूसरा इन्वर्टर भी ले सकते हैं, लेकिन वो अभी मुझे शिफ्ट करना है तो 16 जून तक 17 जून तक शिफ्ट हो जाएगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। 16 जून 17 जून के बाद आपका जो सेशन है वो 5:50 पे ही शुरू हो जाया करेगा, जो कि 6 बजे नहीं। आज मुझे 2-3 बच्चों के मैसेज आए कि सर पहले हमने देखा था कि आप 5:55 पे आ जाया करते थे 6 बजे वाली क्लास में,
अब ऐसा नहीं हो रहा। तो कई बार सिचुएशन, कई बार टाइम, वो सब चीजें नहीं होती, ठीक है। तो लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं कि 16-17 जून जब से मैं शिफ्ट हो जाऊंगा तब से आपको 5:50 पे ही मैं मिल जाया करूंगा, ताकि दो बात भी हमारी हो जाए और पूरे 6 बजे हम कंटेंट को शुरू कर दिया करेंगे, ये चीज आप मान के चलिएगा। तो जब इतना है तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो 2-3 दिन और आप करेगा, लेकिन क्लास आपकी खराब नहीं जाने दूंगा। देखो करंट अफेयर क्या है, करंट अफेयर जिम्मेदारी है मेरी आपको पूरा कराना, तो ये क्लास एक दिन भी मिस नहीं कर सकते, इसीलिए संडे भी लेनी शुरू कर दी है। तो करंट अफेयर जब जिम्मेदारी है तो आप बेफिक्र रहिएगा कि मेरी जिम्मेदारी है, आपको करंट अफेयर में झुकने नहीं दिया जाएगा। करंट अफेयर क्या, पूरे जीके में नहीं झुकने दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिएगा, ये आप लोगों के साथ था, बाकी सभी चीज है, ठीक है। तो चलिएगा, अगर हम बात करो, ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है, नए जो बच्चे जुड़े होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब देखो हमारी ही क्लास में क्या पता आज 50,000 हो जाए, तो ये भी भाई बड़ा अच्छी बात होगी, आज 50,000 हो जाएगी, ठीक है। तो बेफिक्र रहिएगा, वो मुझे मेरी जिम्मेदारी है करंट अफेयर को पूरा कराना, याद कराना। अब देखिएगा कि आपके लिए आज के सेशन में कितनी अच्छी अच्छी चीजें मैंने रखी हैं, उनको देखना ध्यान से, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा पूरा सेशन होगा जिसमें 51 पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे, 15 न्यूज पर चर्चा करेंगे, 15 MCQ पर चर्चा करेंगे और 15 MCQ का टेस्ट होगा आप लोगों का। तो 45 चीजें हो गई। और दोस्तों होमवर्क सिक्सर मतलब 6 चीजें आप लोगों को होमवर्क में मिलेंगी, तो आप लोगों को ये 51 चीजें, तो हम इसको कह सकते हैं 51 सूत्री करंट अफेयर है हमारा, चलेगा। आपका भविष्य उससे बनता है जो आप आज करते हैं कल नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जो हम आज कर रहे हैं उससे हमारा मेरे दोस्तों फ्यूचर बनता है, चाहे आप हो या मैं हूं, तो आज पे जी लेगा, ठीक है। मतलब आपको कल नहीं सोचना कि कल मैं ये करूंगा, परसों ये करूंगा, तरसों ये करूंगा, आज को बेहतर बनाइएगा, ठीक है। तो चाहे वो आप ही लोग हो, जैसे आप लोग हो, तो आज पढ़िएगा। सर कल तो आएगा ही आएगा, कल तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, लेकिन आज क्यों बर्बाद कर रहे हो। तो भविष्य किससे बनेगा, फ्यूचर हमेशा प्रेजेंट पर ही बनता है मेरे दोस्तों। अगर आज आप मेहनत कर रहे हो, आज आप पूरी डेडिकेटेडली काम कर रहे हो, तो कल आप लोगों को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, और ये एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिएगा, आप लोगों के सामने बहुत सारे, ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मैं बता दूं, आज का जो पहला आप लोगों का है उसमें हम पढ़ेंगे। अब यहां से ध्यान से समझनी है सारी चीजों को, तैयार है सभी लोग, एक बार थम्स अप दिखा देंगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। शुरू करते हैं पहली न्यूज आप लोगों की, इसरो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के माध्यम से पूर्वोत्तर में विकास परियोजनाओं की सहायता करेगा। मेरे दोस्तों अब ये न्यूज है, ये तो कहीं भी पढ़ लोगे, कैसे भी पढ़ लोगे, लेकिन इसके अंदर की चीजें क्या है उनको जानिएगा। दोस्तों यहां पर बात किसकी हो रही है, यहां पर सबसे पहले बात हो रही है इसरो की, इसरो के बारे में पता है। तो इसरो क्या करेगा, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है हमारे, जितने भी डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कहां पर दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट में। ये नॉर्थ ईस्ट कौन सा वाला, जहां पर हमारे 8 राज्य मेरे दोस्तों हमारे नॉर्थ ईस्ट में आते हैं। अभी हम नॉर्थ ईस्ट काउंसिल को भी जानेंगे जहां से प्रश्न बनता है। और दोस्तों क्या, थ्रू स्पेस टेक्नोलॉजी, मेरे दोस्तों स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसरो क्या करने वाला है, जो आपके नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, जो हमारे 8 मेरे दोस्तों हमारे क्या है, 8 हमारे स्टेट है, वहां पर क्या करेगा, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को मेरे दोस्तों हेल्प करेगा। अब कैसे हेल्प करेगा उसको दोस्तों समझना है। तो सबसे पहले मुझे जानना जरूरी है, इसरो के बारे में पढ़ेंगे, नॉर्थ ईस्ट के बारे में पढ़ेंगे और स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, देखो जो भी आप लोगों का नॉर्थ ईस्ट में, मतलब अगर हम बात करेंगे, जैसे कोई पुल का ही निर्माण हो रहा है या कोई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है, तो उन सब पर नजर रखेगा कौन, इसरो, और सहायता करेगा उनको पूरा करने के लिए, ठीक है दोस्तों। अब ये कैसे रखेगा, ये अपनी सैटेलाइट के माध्यम से, नेविगेशन सैटेलाइट के माध्यम से, या और भी मेरे दोस्तों बहुत सारी टेक्निक्स है जिनसे आप लोगों का क्या करने वाला है, इसरो उन सब पर नजर रखने वाला है। अब दोस्तों जितने भी हमारा नॉर्थ ईस्ट का मामला है, जो ये आप लोगों के 8 स्टेट हैं, ये सब किसके अंदर आते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के अंदर आते हैं मेरे दोस्तों। किसके अंडर में आते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, जिसको हम क्या बोलते हैं, उत्तर पूर्वी परिषद बोलते हैं। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल से कई बार प्रश्न आप लोगों का पूछ लिया जाता है कि सर नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक क्या है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो आप लोग बोलेंगे नहीं, ये एक वैधानिक सलाहकार निकाय है। क्या है दोस्तों, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल क्या है, एक वैधानिक सलाहकार निकाय है, एक स्टेचुरी एडवाइजरी बॉडी है आप लोगों की, जो मेरे दोस्तों नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट
1971 के थ्रू ये बनाई गई थी। ये प्रश्न पेपर में पूछा गया है कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जो आप लोगों की है वो कौन से एक्ट के थ्रू, तो ईयर याद रखना है 1971 मेरे दोस्तों, ठीक है। कैसा निकाय है ये? वैधानिक सलाहकार निकाय है मेरे दोस्तों। अभी इसका नाम कैसे आया? तो जितने भी ये नॉर्थ ईस्ट के आप लोगों के प्रोजेक्ट हो रहे हैं इनको जो फंडिंग करता है वो कौन करता है? नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल ही करता है। मतलब ये जितने भी प्रोजेक्ट हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं ये सभी किसके अंडर में होते हैं? ये नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के अंडर में होते हैं। इनकी फंडिंग कहां से आएगी, कितनी फंडिंग आएगी, वो सब कौन करता है? यही नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल आप लोगों का करता है। तो ये क्या है? एक स्टेचुरी बॉडी है। कौन से एक्ट में? 1971 में। दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो ध्यान से समझना, एक्ट 1971 था लेकिन ये अस्तित्व में कब आया और कहां से आया? तो दोस्तों 7 नवंबर 1972 को ये शिलोंग में आप लोगों का इसकी स्थापना हुई थी। मतलब अगर कोई नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की स्थापना के बारे में पूछने लगा, उत्तर पूर्वी परिषद की स्थापना के बारे में पूछने लगा, तो दोस्तों 1972 और कहां पर? शिलोंग में। ये प्रश्न भी स्टैटिक जीके का बनता है। अब दोस्तों इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं? तो राज्य आप लोगों को मालूम है, इसमें हमारा असम है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और सिक्किम। अब मैंने सिक्किम को सबसे लास्ट में रखा है, क्यों? क्योंकि सिक्किम मेरे दोस्तों सबसे लास्ट में ऐड हुआ था। यह भी प्रश्न है कि भैया एनईसी में सिक्किम कब ऐड हुआ था? तो एनईसी में सिक्किम 2002 में ऐड हुआ था। यह चीजें आप लोगों को ध्यान में रखिएगा। और परिषद का जो प्रतिनिधित्व है वो इन राज्यों के मुख्यमंत्री और गवर्नर द्वारा किया जाता है, तो ये चीजें आप लोगों को समझनी है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के तहत एनईसी कार्य करता है। मतलब जो हमारा एक मंत्रालय है उस मंत्रालय का नाम क्या है? डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ये एक अलग से मंत्रालय है, तो इस मंत्रालय के तहत हमारा जो एनईसी है वो फंक्शन करता है। और सर जी मंत्री कौन है इसके? अगर आपसे पूछ लिया गया कि डोनर मंत्री कौन है, तो डोनर मंत्री हैं जितेंद्र सिंह। कौन है दोस्तों? जितेंद्र सिंह हमारे डोनर मंत्री हैं। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। यहां पर मैं आप लोगों को एक बार बता दूं, मैंने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में बताया, मैंने कितने जो नॉर्थ ईस्ट आप लोगों के नॉर्थ ईस्ट में जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं, अब उनकी निगरानी उसमें हेल्प कौन करने वाला है? इसरो करने वाला है। तो जितने भी हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं वो किसके अंडर में होते हैं? एनईसी के अंडर में होते हैं। ये एक स्टैचुरी बॉडी है जो एनईसी एक्ट 1971 के तहत आप लोगों की बनी थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? सर जी 7 नवंबर 1972 को कहां पे? शिलोंग के अंदर हुई थी। आप लोग देख सकते हैं सबसे एंड में कौन सा राज्य जुड़ा था? सर सबसे एंड में सिक्किम जुड़ा था, 2002 में जुड़ा था, याद रखेंगे। सिक्किम हमारा मेरे दोस्तों जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 36 नंबर है उसके तहत सिक्किम राज्य भी बनाया गया था, यह भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों अगर हम इसमें बात करेंगे तो कौन सी मिनिस्ट्री है? डोनर मिनिस्ट्री है। और डोनर मिनिस्ट्री का मंत्री कौन है? तो जितेंद्र सिंह जो है वो डोनर मिनिस्ट्री के मंत्री है। यह सब चीजें आपको याद में रखनी है। समझ में आ गया सारी चीजें? तो कोई आपसे एनईसी के बारे में पूछेगा, सारी चीजें क्लियर है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट में कौन असिस्ट करेगा? इसरो असिस्ट करेगा। तो इसरो के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया था दोस्तों कि इसरो जो है उसने 3 वेंटिलेटर और 1 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बनाया है। बताया था आप लोगों को मैंने कि भैया एक प्राण नाम का, एक वायु नाम का, एक स्वस्थ नाम का और एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर था जो स्वास्थ्य नाम का था। तो ये किसने बनाया था? इसरो ने बनाया था। यही बात यहां पर लिखी हुई है मेरे दोस्तों। इसरो ने क्या बनाए हैं? कॉस्ट इफेक्टिव वेंटिलेटर बनाए हैं। और वेंटिलेटर का नाम क्या है? एक का नाम प्राण है, एक का वायु है और एक का स्वस्थ है। और जो ऑक्सीजन सिलेंडर है या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है उसका नाम क्या है? श्वास है मेरे दोस्तों। ये हमें इसरो के बारे में क्या रखना है? याद रखना है। याद रहेगा, ये तीनों चीजें याद आ गई होंगी, रिविजन के तौर पर आप इसको ले लेंगे। दोस्तों अब आगे बात करेंगे, अगर हम इसरो की बात करेंगे तो इसरो ने गगनयान के लिए कौन किससे समझौता किया है? दोस्तों इसरो ने गगनयान के लिए किसके साथ में समझौता किया है? CNES के साथ में किया है। ये फ्रांस की क्या है? ये दोस्तों फ्रांस की हमारी स्पेस एजेंसी है। जैसे हमारी स्पेस एजेंसी इसरो है,
वैसे ही फ्रांस की स्पेस एजेंसी क्या है? तो फ्रांस की स्पेस एजेंसी है दोस्तों इसरो, इसरो मतलब हमारी है, और सीएनईएस जो है वो फ्रांस की है, याद रखेंगे। दोस्तों गगनयान क्या है? भारत का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन है, भारत का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन है, और उसके लिए हमने फ्रांस की सीएनईएस के साथ में समझौता किया है। अब फ्रांस के साथ में और कौन से समझौते हैं? तो एक दोस्तों फ्रांस के साथ में समझौता है राफेल का, एक हमारा मेरे दोस्तों हमर मिसाइल का। तो ये दो मेन समझौते हमारे फ्रांस के साथ में है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्लियर हो गया होगा। दोस्तों एक वर्ड आया है स्पेस, हमारा वर्ल्ड स्पेस वीक कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड स्पेस वीक मनाया जाता है 4 अक्टूबर से लेकर के 10 अक्टूबर तक वर्ल्ड स्पेस वीक हमारा बनाया जाता है, ये चीजें आपको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन दोस्तों, रियलमी फोन का नाम सुना है? रियलमी फोन का नाम आपने सुना होगा। तो ये जो रियलमी का फोन है मेरे दोस्तों, इसने जो इसरो की नेविगेशन, आप लोगों की एक टेक्निक है मेरे दोस्तों, जो इसरो की नेविक है, नेविक मेरे दोस्तों एक नेविगेशन सिस्टम है इसरो का, इसरो ने अपना नेविगेशन सिस्टम क्या किया है मेरे दोस्तों, डेवलप किया है, जो नेविक नाम से है, उसको सबसे पहले किस फोन के साथ में लॉन्च किया गया? तो उसको सबसे पहले रियलमी X50 Pro और उसके बाद आने वाले सभी फोनों में मेरे दोस्तों इसको आप लोगों का लाया गया। तो समझ गए इसरो का अपना क्या है, इसरो का जो अपना है वो नेविक टेक्नोलॉजी है, नेविगेशन सिस्टम है, जो सबसे पहले रियलमी फोन के अंदर आया था, ये चीज याद रखेंगे, ठीक है। ये अपना नहीं है, सबका ही फोन है, ठीक है, हमारा भी यही है, ओके। अब दोस्तों ध्यान से समझना, अब इसरो की नेविगेशन सैटेलाइट पे एक नजर मारते हैं, जो इसरो की नेविगेशन सैटेलाइट है, तो इसरो की ये नेविगेशन सैटेलाइट है जो मैंने आपके सामने, कब लॉन्च हुई थी, कितना वजन था, तो इसमें आपको याद नहीं रखनी है, आपको याद नहीं रखनी है, क्योंकि इतने ये सब नहीं पूछा जाता, बस एक नजर आप देख लोगे। याद क्या रखना है दोस्तों, जो इसरो की IRNSS-1H थी, इसका लॉन्चिंग अनसक्सेसफुल हुई थी, यही आपको ध्यान में रखनी है। पूछा गया प्रश्न था कि भैया इसरो की जो नेविगेशन सैटेलाइट कौन सी थी जिसकी लॉन्चिंग अनसक्सेसफुल रही थी, तो IRNSS-1H उसकी मेरे दोस्तों लॉन्चिंग अनसक्सेसफुल रही थी। यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये सक्सेसफुल वाली है सारी, और यहां पर ये आप लोगों का जो है इसकी अनसक्सेसफुल रही थी, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो एक बार सारी चीजों को अगर हम समराइज कर लें तो मजा सा आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा चीजें समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है आप लोगों को, यानी अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों ध्यान से समझेंगे। एक बार हम सारी चीजों को समराइज करते हैं, आपने लिखा होगा जो भी सामान उसको टैली कर लेते हैं। भैया इसरो मदद करेगा नॉर्थ ईस्ट स्टेट की किस में, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में, बात क्लियर हो गई है। इसके बीच कूद पड़ता है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, जो कि आप लोगों का एक स्टेचुरी बॉडी है, एक हमारा वैधानिक निकाय है मेरे दोस्तों, 1971 एक्ट के थ्रू बनाया गया था, बहुत बढ़िया है दोस्तों। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 7 नवंबर शिलोंग में हुई थी, जो कि मेघालय की कैपिटल है, आप लोगों को पता होगा। इसमें ये हमारे राज्य है, सबसे बाद में कौन सा जुड़ा था? सिक्किम जुड़ा था, 2002 में जुड़ा था, ये भी है। कौन से मंत्रालय के तहत काम करता है? तो मेरे दोस्तों जो डोनर मंत्रालय है उसके तहत काम करता है। डोनर मंत्री कौन है? तो मंत्री जितेंद्र सिंह हैं, आप सभी लोग जानते होंगे भले भांति। इसरो ने मेरे दोस्तों 3 वेंटिलेटर इस बार बनाए थे, एक प्राण, एक वायु, एक स्वस्थ आप लोगों का, और एक हमारा कॉन्सेंट्रेटर बनाया था जिसका नाम था मेरे दोस्तों स्वास, ये आपके सामने है, हम पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों बनेगा, इसरो ने गगनयान के लिए किससे समझौता किया? फ्रांस की स्पेस एजेंसी से किया है, बहुत बढ़िया। दोस्तों रियलमी फोन के साथ में इसरो की जो नेविगेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम है, नेविगेशन टेक्नोलॉजी है, उसको लॉन्च किया गया है रियलमी फोन के साथ में, याद रखेंगे। और मेरे दोस्तों इसरो की नेविगेशन सैटेलाइट है, उनमें से एक नेविगेशन सैटेलाइट IRNSS-1H थी जिसकी लॉन्चिंग अनसक्सेसफुल हुई थी, ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और दोस्तों ये बेसिक इंफॉर्मेशन सभी को पता होगा, इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। 15 अगस्त 1969 को इसरो हमारा बना था, इसरो के जो हमारे चीफ है उनका नाम के सिवान है, सभी लोगों को जानते हैं। और दोस्तों इसरो आप लोगों के विक्रम साराभाई जो है वो इसरो के फाउंडर में आते हैं, ये सभी चीजें आप लोगों को मालूम होगी, ये चीज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। थम्स अप दिखा दीजिएगा अगर क्लियर है। अब सीधे चलते हैं WHO के पास में, याद भी हो गया होगा, ठीक है।
चलिए अब सीधे हम कहां पे चलेंगे, सीधे अपना रुख करते हैं WHO की तरफ को। तो WHO, ठीक है। अब WHO की बात करेंगे तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, सभी लोग मेरे दोस्तों जान रहे हैं। तो ये जो WHO है इसने एक हैंडबुक को रिलीज किया है, बहुत जरूरी बात है सबके लिए, करंट अफेयर में नहीं भी पूछी जाएगी तब भी जरूरी है। हैंडबुक मेरे दोस्तों क्या किया है, रिलीज किया है किसके लिए, बर्डन ऑफ फूड बोर्न डिसीजेस के लिए। तो मेरे दोस्तों ध्यान से समझिएगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने खाद्य जनित रोगों के बोझ का आकलन करने के लिए एक पुस्तिका जारी की है। मेरे दोस्तों ऐसे रोग जो किससे, हमारे दोस्तों खाने से, बासी खाने से, गंदा खाने से, खराब खाने से क्या होते हैं, आप लोगों के डेवलप होते हैं, जो रोग आपके पनपते हैं, ठीक है। तो उसने पुस्तिका जारी की है। क्वेश्चन क्या बनेगा कि हाल ही में WHO ने एक पुस्तिका जारी की है कौन से रोगों के लिए, तो सब लोग कोरोना कोरोना लगा देंगे जिसने नहीं पढ़ रखा होगा, लेकिन जिसने पढ़ रखा होगा वो बता देगा कि फूड जनित जो रोग हैं उनके लिए WHO ने ये पुस्तिका आप लोगों की क्या है दोस्तों, जारी की है। अब इसमें दो तीन चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। क्या सर जी, खाद्य जनित रोग कौन से होते हैं? कई बार हम देखते हैं मक्खी भिनक रही है खाने के ऊपर, कई बार हम खुले खाना खा रहे हैं, बेकार खाना, कई बार नीचे तो गंदा नाला बह रहा है, ऊपर पूरियां कचौरियां तल रही है और हम उसको खा रहे हैं, पसीना पोंछ रहे और खा रहे हैं, ठीक है। मैं स्ट्रीट फूड को मना नहीं कर रहा, स्ट्रीट फूड खाइएगा, बहुत साफ फूड होता है स्ट्रीट फूड, लेकिन हमें गंदगी भी वाला खाना भी तो नहीं खाना जहां पे गंदगी है चीजें, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों इसके नुकसान क्या क्या हुए हैं देखिएगा, पिछले कुछ सालों में अगर हम मेरे साथियों यहां पर बात करते हैं, जो फूड बर्डन, जो आप लोगों की बर्डन डिसीज है मेरे दोस्तों, अब उसके अंदर यहां क्या है कि भैया 10 में से एक आदमी जो है वो बीमार है, 10 में से 1 आदमी जो है इसी चीज से ग्रसित है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और दोस्तों 33 मिलियन लोग जो हैं वो अपनी लाइफ को हर साल मेरे दोस्तों जो है अपना लगभग खो देते हैं। दोस्तों यहां पर अगर हम फूड बोर्न डिसीज को हम ध्यान से देखेंगे तो ये आप लोगों की 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आप लोगों की मेरे दोस्तों जो 4,20,000 है ये डेथ का आंकड़ा है, और जो चिल्ड्रन है बच्चे हैं उसमें 1 में से 3 मेरे दोस्तों ध्यान से समझना, बच्चों में मतलब 3 बच्चों में 1 बच्चे की डेथ हुई, अगर 3 बच्चे थे तो 1 बच्चे की डेथ, मतलब जो रेशो है वो 1:3 का रेशो है। अगर हम इसको थोड़ा सा आगे चलेंगे यूरोपियन रीजन की बात करेंगे तो यूरोपियन रीजन का ये निकल कर के आता है कि 23 मिलियन लोग बीमार है। मतलब ये सब चीजें आपको मैं दिखा रहा हूं, पेपर में नहीं पूछी जाएंगी कि यूरोपियन रीजन में कितने बीमार हैं या क्या हैं, ये सब चीजें मैं आपको बस बता रहा हूं। साउथ ईस्ट एशियन रीजन में देख लो तो यहां पर आपके कितने, जो मेरे दोस्तों ये आप लोगों के 1,75,000 से के आसपास डेथ हो गई है। तो ये मेरे दोस्तों सब फूडबोर्न डिसीज से हैं जो आपके सामने सारी की सारी चीजें हैं। अब इससे क्या क्या हो सकता है, शॉर्ट टर्म में आप लोगों को नाक वाली बीमारी हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, लॉन्ग टर्म में कैंसर चला जाएगा, किडनी आ जाएगी, पैरालिसिस हो जाएगा या ब्रेन डिसऑर्डर हो जाएगा। तो ये लॉन्ग टर्म बीमारी है मेरे दोस्तों जो इससे आप लोगों की हो रही है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि WHO की रिपोर्ट के अनुसार अफ्रीकी और दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्रों में खाद्य जनित बीमारियों का सबसे अधिक बोझ है, मतलब वो कौन सा एरिया है जहां पे फूड बोर्न डिसीज जो है वो सबसे ज्यादा है, तो अफ्रीकन एंड साउथ ईस्ट एशियन रीजन, कौन सा दोस्तों, साउथ ईस्ट एशियन रीजन में ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, ये सब चीजें आप लोगों के पेपर में, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोगों को दो ध्यान से समझनी है, ये सब आपके आंकड़े थे। चलिए अब हम WHO के कुछ फैक्टों को जानते हैं जो WHO के बारे में है, ठीक। तो ये बात समझ आ गया कि हैंडबुक जो जारी की है वो किस पे जारी की है, वो जारी की है खाद्य जनित रोगों का बोझ कम करने के लिए। अब दोस्तों कुछ फैक्ट है उनकी तरफ पढ़ेंगे, तो सबसे पहले आया है फूड, दोस्तों सबसे पहले आया फूड। अब फूड से रिलेटेड जो भी फैक्ट है नोट करते जाएं, हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है, हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है, तो हंगर इंडेक्स में भारत है 94 नंबर पर, जानते हो। वर्ल्ड फूड डे कब आता है, तो वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को आता है। उसके बाद दोस्तों फूड सेफ्टी डे, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ये कब मनाया जाता है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ये कब मनाया जाता है, 7 जून को हमने मनाया था, सभी को मालूम होगा। दोस्तों नेशनल फूड डे कब आता है, 24 अक्टूबर को नेशनल फूड डे आता है। WHO की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, तो WHO मेरे दोस्तों, WHO ने एक आपकी जो दवाई थी सिनोफार्म,
क्या थी दोस्तों? सिनोफार्म एक वैक्सीन थी हमारी। तो सिनोफार्म जो वैक्सीन थी, कहां की वैक्सीन थी? चाइना की वैक्सीन थी। इसको WHO ने मान्यता दे दी है। उसके बाद मेरे दोस्तों WHO ने भारत को पोलियो फ्री घोषित कर दिया था 2014 में। भारत पोलियो फ्री कब घोषित हो गया था? 2014 में भारत पोलियो फ्री घोषित हो गया था। सभी को मालूम है भारत में जब 3 साल तक कोई भी केस नहीं मिला, मतलब भारत के अंदर जो पोलियो का लास्ट केस मिला था वो 2011 में मिला था। और कहां पे मिला था? वेस्ट बंगाल में मिला था। तो भारत में पोलियो का लास्ट केस 2011 में मिला था, वेस्ट बंगाल में मिला था। और दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो 2014 में भारत पोलियो मुक्त हो गया था। इस बार जैसे अगर हम बात करेंगे, जो कोंगो है हमारा, रिपब्लिक ऑफ कोंगो, उसको इबोला फ्री घोषित कर दिया है। क्या कर दिया है उसको? इबोला फ्री घोषित कर दिया है। तो ये WHO की जो हमारी चीजें हैं मेरे दोस्तों। इस बार हमारा मेरे दोस्तों तंबाकू जो अवार्ड है, तंबाकू कंट्रोल के लिए जो WHO ने अवार्ड दिया है, वो किसको दिया है? वो सर जी डॉक्टर हर्षवर्धन को दिया है। तो ये इतनी सब बातें पेपर का पार्ट बनती हैं। ये मैंने आप लोगों को बता दिया, ये आप लोगों का दोस्तों WHO नॉलेज बूस्टर में ये सब चीजें आप नोट कर लेंगे। WHO टेड्रोस एब्डमिन, टेड्रोस एब्डमिन, ये कौन है WHO के? टेड्रोस एब्डमिन जो है ये WHO के आप लोगों के हेड हैं, जो कि इथोपिया कंट्री के हैं। कहां के हैं दोस्तों? इथोपिया कंट्री के हैं। और 7 अप्रैल 1948 को आपका WHO बना था। और दोस्तों जेनेवा जो है आप लोगों का हेडक्वार्टर है, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ जाएगा, ध्यान से समझिएगा सारी चीजों को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, कुछ इंपोर्टेंट बुक है जो आपने पढ़ी थी उनका रिवीजन हम कर लेते हैं। ये हैंडबुक रिलीज की है WHO ने, लेकिन इसके अलावा हमने किताब का नाम पढ़ा था स्टार गेजिंग के राइटर थे रवि शास्त्री, याद कर लीजिएगा। सावरकर एक कॉन्टेस्टेड लीगेसी मेरे दोस्तों विक्रम संपत है। तो सावरकर एक कॉन्टेस्टेड लीगेसी, विक्रम संपत राइटर है। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा द लॉन्ग जर्नी होम 1232, मेरे दोस्तों 1232 किलोमीटर, ध्यान से समझना, द लॉन्ग जर्नी होम, ठीक है। तो 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम, ये विनोद कापरी, ये जर्नलिस्ट है आप लोगों के, ठीक है। तो ये तीनों किताब आप लोग याद कर लेंगे, आपको याद हो जाएंगी, कोई डाउट नहीं होगा। दोस्तों बात करते हैं साइक्लोन की। तो साइक्लोन सभी लोग जानते हैं आप लोग, तो जो हमारे मेरे दोस्तों साइक्लोन है, ठीक है। तो इस बार क्या किया है, इस बार थोड़ा सा अच्छा किया है क्या, जो हमारा IIT खड़गपुर है, IIT खड़गपुर कौन सा, जहां से अरविंद केजरीवाल पढ़े हैं, IIT खड़गपुर कौन सा, जहां से सुंदर पिचाई पढ़े हुए हैं। तो IIT खड़गपुर ने मेरे दोस्तों एक ऐसी टेक्निक को डेवलप किया है आप लोगों का, मेरे दोस्तों वो टेक्निक है आप लोगों की एडी टेक्निक है आप लोगों की। तो उस टेक्निक को डेवलप किया है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जो साइक्लोन है कम से कम चार दिन पहले जो है हम उस साइक्लोन का पता लगा सकते हैं। कम से कम कितने पहले? 4 दिन पहले हम उस साइक्लोन का पता लगा सकते हैं। पहले अभी तक जो हमारी टेक्नोलॉजी यूज होती थी साइक्लोन को डिटेक्ट करने के लिए मेरे दोस्तों, वो क्या होती थी, वो आप लोगों की जो होती थी वो होती थी रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी। तो यहां पर आपको सबसे पहले पता करना है क्या कि अभी तक हम किस पर करते थे, अभी तक हम रिमोट सेंसिंग पर पता करते थे। किस पर पता करते थे? रिमोट सेंसिंग पर पता करते थे। तो रिमोट सेंसिंग के बाद अब हमने अर्ली साइक्लोन डिटेक्शन जो टेक्निक है वो किसने बनाई है? IIT खड़गपुर ने बनाई है। और दोस्तों ये बेसिकली कहां के लिए, जो हमारा इंडियन ओशियन है मेरे दोस्तों, जो क्या है हमारा इंडियन ओशियन है। तो इंडियन ओशियन के लिए अगर कोई साइक्लोन आता है तो हम कम से कम 4 दिन पहले इन सब चीजों के बारे में पता लगा लेते हैं। पहले आप लोगों की जो थी, आप लोगों की रिमोट सेंसिंग थी, अभी हम किस पर चलेंगे, अभी हम एडी टेक्निक पर चलेंगे। ये सब चीजें आप लोगों को यहां पे पता रखनी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिएगा, IIT खड़गपुर है। अगला प्रश्न आ जाएगा दोस्तों फेसबुक से। तो फेसबुक का आप लोगों का अगला प्रश्न है, जल्दी से एक बार बता दीजिएगा फटाफट से। ये जो फेसबुक है, तो फेसबुक का नाम सुनते ही मार्क जुकरबर्ग आपको याद आ गए होंगे। तो फेसबुक ने मेरे दोस्तों स्फूर्ति प्रिया को ग्रेवियंस ऑफिसर इंडिया के लिए नियुक्त किया है। तो फेसबुक ने स्फूर्ति प्रिया को शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। मतलब जो भारत के अंदर ग्रेवियंस है, पब्लिक ग्रेवियंस है, पब्लिक की जो शिकायत है फेसबुक को लेकर, किसी भी चीज को लेकर के, तो उसको मैनेज कौन करेंगी? उसको मैनेज करेंगी स्फूर्ति प्रिया। अब ऐसा नहीं है कि आपको स्फूर्ति प्रिया का डायरेक्ट आप नंबर मिला दोगे, तो ये एक प्रोसेस होगा, चैनल वाइज होगा।
मतलब अभी तक जितनी भी क्या कहते हैं कंप्लेंट्स वगैरह या पब्लिक को जितनी भी असुविधा होती थी भारत वालों को, तो भारत वालों के लिए जो ग्रेवियंस ऑफिसर हैं वो कौन है, स्फूर्ति प्रिया है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हम फेसबुक से रिलेटेड कुछ चीजें आप लोगों की बताते हैं जो शेयर करूंगा मैं आप लोगों के साथ में। तो फेसबुक स्फूर्ति प्रिया, शिकायत ऑफिसर, ग्रेवियंस ऑफिसर, ये बात आपको याद में रखनी है। लेकिन दोस्तों जब भी हम फेसबुक की बात करेंगे तो दो चीजें मुझे जरूर याद आएंगी मेरे दोस्तों, अगर हम बात करेंगे तो एक आप लोगों को याद आएगा क्या, क्लीन मैक्स। किस किस को याद आया ये क्लीन मैक्स? दोस्तों क्लीन मैक्स है और साथ में कौन है, फेसबुक है। इन्होंने क्या लगाया है मेरे दोस्तों, रिन्यूअल एनर्जी, जो हमारा रिन्यूअल एनर्जी प्लांट है, क्या है दोस्तों, रिन्यूअल एनर्जी प्लांट है या रिन्यूअल एनर्जी प्रोजेक्ट है आप लोगों का, ये लगाया है। कहां पर लगाया है तो दोस्तों ये लगाया है कर्नाटक में। तो फेसबुक का पहला रिन्यूअल एनर्जी जो प्रोजेक्ट है भारत में वो किसके साथ में लगाया, वो सर जी क्लीन मैक्स एनवायरमेंट के साथ में लगाया। ये क्लीन मैक्स कहां की कंपनी है, तो क्लीन मैक्स मेरे दोस्तों मुंबई की कंपनी है, याद रखेंगे हम। और फेसबुक जो ये रिन्यूअल एनर्जी प्रोजेक्ट लगा रहा है ये मेरे दोस्तों कितने मेगावाट का है, तो ये 30 मेगावाट का है कर्नाटक के अंदर। तो समझ गए कि फेसबुक ने अपना भारत में पहला रिन्यूअल एनर्जी जो प्लांट है वो कहां पर लगा रही है, कर्नाटक के अंदर दोस्तों। किस कंपनी के साथ में, क्लीन मैक्स एनर्जी के साथ में, क्लीन मैक्स एनवायरमेंट के साथ में, इसका हेडक्वार्टर मुंबई है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा मेरे दोस्तों फेसबुक क्या कर रहा है समझिएगा, अब इसके अलावा चलते हैं। तो इसके अलावा ही चलेंगे, जो हमारा फेसबुक है वो इंटरनेट कैपेसिटी को, किसको दोस्तों, इंटरनेट कैपेसिटी को मजबूत करने के लिए जो हमारा मेरे दोस्तों दो तार भी डाल रहा है, जो तारे नहीं बिछाते तारे, तो वो दो तारे भी कौन डाल रहा है अगर हम बात करेंगे, तो हमारा जो फेसबुक है वो दो इंटरनेट केबल भी आप लोगों की डाल रहा है। अब ये दो इंटरनेट केबल कहां से कहां तक जाएंगी, अब ये दो इंटरनेट केबल जो जाएंगी वो साउथ ईस्ट एशिया से, साउथ ईस्ट एशिया से नॉर्थ अमेरिका, तो साउथ ईस्ट एशिया से नॉर्थ अमेरिका मेरे दोस्तों ये आप लोगों की दो केबल डाल रहा है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है आप लोगों का, उन केबल के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं जो आप लोगों की केबल, देखो कुछ बच्चे बता रहे हैं लेकिन नाम नहीं बता रहे हैं, तो दोस्तों कौन सी है वो अगर हम बात करेंगे तो दो केबल है, एक आप लोगों की मेरे दोस्तों इको है और एक आपकी बाइफ्रोस्ट है। तो ये दो केबल के नाम है जो आपको मालूम होना चाहिए था फेसबुक के बारे में। क्लियर है, कोई डाउट है तो यहां पर आप लोग मुझे बता सकते हैं, चलिएगा। ठीक है, समझ में आ गई सारी चीजें, आई थिंक आप लोगों को ये न्यूज क्लियर हुई होगी, यहां से ये न्यूज आपको पता लगी होगी। तो यहां पे एक बार हम इसको क्या कर ले, वापस से एक बार सामान अपना टैली कर ले। तो पहला मेरे दोस्तों हमने क्या पढ़ा, पहला हमने पढ़ा स्फूर्ति प्रिया के बारे में जो फेसबुक की ग्रीवियंस ऑफिसर है इंडिया के लिए, ये बात आपको क्लियर हो गई है। दूसरा दोस्तों हमने रिन्यूअल एनर्जी प्लांट के बारे में पढ़ा जो क्लीन मैक्स एनर्जी के साथ में लगाया जा रहा है, 30 मेगावाट का है कर्नाटक में। ठीक है, हमने तीसरी न्यूज क्या पढ़ी, हमने तीसरी न्यूज वो पढ़ी कि भैया दो तार डाल रहा है, दो इंटरनेट की केबल डाल रहा है, इको और बाइफ्रोस्ट, कौन डाल रहा है, फेसबुक डाल रहा है इंटरनेट कैपेसिटी को और मजबूत करने के लिए, जो कि साउथ ईस्ट एशिया से चल करके नॉर्थ अमेरिका तक वो तारे बिछ जाएंगे समुद्र के नीचे से, ध्यान रखेंगे। तो ये आप लोगों का दोस्तों यहां पर ये तीन न्यूज हमने पढ़ी है, तो तीनों न्यूज आपने अपने झोले में रख ली होंगी, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तीनों न्यूज आप अपने झोले पर रख लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया तरीके से, चलो मजा आ रहा है। ठीक है, कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी दोस्तों। अब जब हम अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो हम रिवीजन से क्यों चूकेंगे, तो मैंने आपको टीवी नरेंद्रन के बारे में बताया था ये कौन है, ये सीआईआई के नए प्रेसिडेंट बने हैं, सबको मालूम होना चाहिए। दोस्तों मैंने आपको जेवी मोहापात्रा के बारे में भी बताया था, ये आपके सीबीडीटी के हैं, चलिएगा हमने पढ़ा था सर जी। हमने जस्टिस विक्रमजीत सेन के बारे में भी पढ़ा था, बिल्कुल मेरे दोस्तों। तो जो जस्टिस विक्रमजीत सेन है अभी थोड़े दिन पहले हमने पढ़ा था, बिल्कुल। तो इसके अंदर मेरे दोस्तों हमारा क्या है, जो हमारा आईबीएफ हमने पढ़ा था, आईबीएफ हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था मेरे दोस्तों इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फेडरेशन, जो अब आईबीडीएफ हो गया है, वो कौन है हमारे, जस्टिस विक्रमजीत सेन है और जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा, ये मेरे दोस्तों एनएचआरसी हैं। तो ये चारों अपॉइंटमेंट पे मोहर लगा दो,
कि ये सर हमारे झोले में पक्का रखे हैं, ये हम कहीं जाने नहीं देंगे, अगर इन चारों अपॉइंटमेंट में से पूछता है तो। ठीक है, चलिए एक और बंदा आपके सामने है। तो जैसा कि मैं आपको हमेशा पढ़ाता हूं, क्या पढ़ाता हूं कि भैया आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, तो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन थे? एमके जैन मेरे दोस्तों, आप लोगों को याद होगा। ठीक है, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन थे? टी रविशंकर। कौन थे दोस्तों? टी रविशंकर आरबीआई के डिप्टी गवर्नर थे। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन थे? राजेश्वर राव थे। कौन थे दोस्तों? राजेश्वर राव थे। और कौन थे? माइकल पात्रा थे। कौन थे? माइकल पात्रा थे। यही चार तो डिप्टी गवर्नर थे। अभी जो एमके जैन है आप लोगों के, ये रहे महेश कुमार जैन, इनका आरबीआई ने 2 साल कार्यकाल बढ़ा दिया है। ठीक है, तो आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर है और आरबीआई में 1 गवर्नर है। गवर्नर का नाम क्या है? शक्तिकांता दास है। क्या है? शक्तिकांता दास है, जो कि 25वें नंबर के हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं, सभी लोग जानते हैं। दोस्तों आरबीआई ने अभी भारत सरकार को कितना सरप्लस दिया है? तो आरबीआई ने भारत सरकार को मेरे दोस्तों 99,122 करोड़ रुपए का सरप्लस दिया है 9 महीने का। तो मेरे ख्याल से आप इन सभी बातों से संतुष्ट हैं। महेश कुमार जैन आपको पता लग गया, चारों डिप्टी गवर्नर का नाम पता लग गया, गवर्नर आप जानते ही हो, शक्तिकांता दास 25वें नंबर के हैं और 99,122 करोड़ रुपए आरबीआई का सरप्लस था। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, लेकिन उससे पहले मेरी जो बाकी अपॉइंटमेंट है उनको भी तो पढ़ना पड़ेगा। 4 पढ़े थे, 4 अपॉइंटमेंट फिर से पढ़ लो दोस्तों। ये क्या है आपके? आधार पूनावाला। तो ये मैग्मा पिनकॉर्प के चेयरमैन बनाए गए हैं, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट के तो जो सीईओ हैं ही दोस्तों। वाइस एडमिरल रवनीत सिंह, अब एडमिरल लग रहा है तो नेवी से है। डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, तो नेवल स्टाफ के डिप्टी चीफ कौन है? रवनीत सिंह है दोस्तों। पैट्रिक अमोथ, ये केन्या के हैं और इनको WHO में क्या बनाया गया है? WHO का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया गया है हर्षवर्धन जी की जगह पर, याद हो गया होगा दोस्तों। अगर हम बात करेंगे विनय के नंदकुरी, तो ये मेरे दोस्तों आप लोगों का क्या है, ध्यान से समझेंगे, जो हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इंस्टीट्यूट है, जो हमारा सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, उसके मेरे दोस्तों क्या चेयरपर्सन बनाए गए हैं। तो जो हमारा सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, उसके चेयरपर्सन डायरेक्टर बनाए गए हैं कौन? विनय के आपके नंदूरी। अब ये मैं कल को रिपीट करवा दूंगा वापस, क्योंकि ये आपको याद नहीं हुआ होगा, मैं जानता हूं। ठीक है, और प्रेस बी लाल जो है ये आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों। ग्रेवियंस ऑफिसर अगर हम बात करें तो आप लोगों के क्या है, ऑफिसर फॉर इंडिया, प्रेस वी लाल, प्रेस वी लाल। ठीक है, ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। ठीक, चलिएगा, तो ये भी आपको पता लग गया होगा। अगला क्वेश्चन LIC का आ जाता है। तो LIC के जो चेयरपर्सन हैं, LIC के जो चेयरपर्सन हैं, अगर हम उनके बारे में बात करेंगे तो ये है MR कुमार। भैया इनका कार्यकाल भी बढ़ा दिया गया है। तो LIC के चेयरपर्सन कौन है? MR कुमार है। ये बात आपको मालूम हो गई है, ये बात आपको पता लग गई। अब दोस्तों यहां पर LIC बना था 1956 में, क्लियर हो गया। हेडक्वार्टर कहां पर है? हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर, बहुत बढ़िया। प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना में LIC पार्टनर है। प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना जो है उसमें LIC पार्टनर है। और दोस्तों ये जो LIC है आप लोगों का, मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी में अगर हम बात करेंगे तो विश्व की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी में 10वें नंबर पर आता है कौन मेरे दोस्तों? LIC। और मोस्ट पावरफुल कंपनी में नंबर 3 पर आता है। तो ये सभी बातें LIC के बारे में आप छाप लीजिएगा। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन 1956 की बात है, मुंबई में हेडक्वार्टर है, चेयरमैन MR कुमार हैं, प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना में LIC जो है वो पार्टनर है, और दोस्तों मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी में पिंग एंड इंश्योरेंस चाइनीज की पहले नंबर पर है, 10वें पे LIC है, और 3रे नंबर पर हमारा मोस्ट पावरफुल में है, जिसमें मेरे दोस्तों पास्टे इंश्योरेंस जो कि इटली की कंपनी है वो पहले नंबर पर है। LIC की 25% हिस्सेदारी बेचने की बात कही है भारत सरकार ने। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि भारत सरकार का इस साल का डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट कितना है, मतलब भारत सरकार का इस बार का धन, चीजों को बेच करके धन कमाने का कितना टारगेट भारत सरकार ने इस बार रखा है। ठीक है,
दोस्तों कुछ और चीजें हैं अगर हम बात करेंगे तो, फिर से चार अपॉइंटमेंट पढ़ने हैं हमें। तो प्रदीप चंद्रन नेर, जो प्रदीप चंद्रन नायर है आपके, वो किसके हैं? असम राइफल्स, आपको दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों आर एस सोडी जो अमूल वाले थे, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन में क्या बनाए गए हैं मेरे दोस्तों? मेंबर बने हैं, ठीक है। दोस्तों ये कौन है? विवेक राम चौधरी, ये हमारे एयरफोर्स के वाइस चीफ बनाए गए हैं। जैसे रवनीत नेवी के बनाए हैं, वैसे ही आपके जो विवेक राम चौधरी हैं, ये दोस्तों किसके बनाए गए हैं? एयरफोर्स के बनाए गए हैं। ये कौन है? रणजीत डिसाले, ये वर्ल्ड बैंक के एजुकेशन एडवाइजर हैं। वर्ल्ड बैंक के एजुकेशन एडवाइजर रणजीत डिसाले हैं, आपको पता होगा। और विश्व वीर आहूजा रत्नाकर बैंक लिमिटेड के हैं। मेरे ख्याल से ये 12 नियुक्ति आप लोगों की जो हमने जून जून के अंदर पढ़ी है, देखो ये चीज आपकी बाहर नहीं जाएगी। मेरा एक टारगेट है क्या कि जून का करंट अफेयर छूटे ना कुछ भी, मतलब पुराना भी मैं याद करा के आप लोगों को चलूं। अगले प्रश्न पे चलते हैं जल्दी से, बहुत बढ़िया, ठीक है। दोस्तों पेन प्रिंटर प्राइज, तो ये जो हमारा पेन प्रिंटर प्राइज है, अगर मैं पेन प्रिंटर प्राइज के बारे में बात करूंगा तो जिम्बाब्वे के जो नॉबलिस्ट थे आप लोगों की, उन्होंने पेन प्रिंटर प्राइज आप लोगों का जो है जीता है। तो दोस्तों जो हमारा पेन प्रिंटर प्राइज है, अगर मैं उसके बारे में बात करूंगा तो ध्यान से समझना, किसने जीता है? जिम्बाब्वे की नॉबलिस्ट है आप लोगों की, कौन सी? तित तिसी डांग रेम्बागा ने, ठीक है। नाम जल्दी से याद नहीं होगा, टीडी नाम याद रख लेंगे, ठीक है। तो ये जो टिड्ढी है ना मेरे दोस्तों, कौन है? ये जो टिड्ढी है, इस टिड्ढी ने जीता है पेन प्रिंटर प्राइज। या तो भाई नाम सही रखती, वरना हम तो टिड्ढी बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो टिड्ढी है मेरे दोस्तों आप लोगों की क्या है? टी सित्सी डेंजर, मतलब कुछ भी आप यहां पे बना लो, ये जो टिड्ढी सी है, जो टीडी है आप लोगों की, पेन प्रिंटर प्राइज इसने जीता है मेरे दोस्तों। इसका जो नोबल था, क्लियर है? पेन प्रिंटर प्राइज किसने जीता? टिड्ढी ने जीता, बस इतनी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है, चलेगा। गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा, लेकिन कोई बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, इन्होंने किसके लिए जीता है टिड्ढी ने? तो टिड्ढी ने जीता है मनरेबल बॉडी के लिए। इनका नोबल है द मनरेबल, MONRABLE, मनरेबल बॉडी। इन्होंने मनरेबल बॉडी के लिए ये प्राइज अपना जीता है, पेन प्रिंटर प्राइज जो है ये मेरे दोस्तों इन्होंने जीता है, ठीक है, चलिएगा। नोबल है, दिया जाता है, इंग्लिश नोबल है ये, उसके लिए दिया जाता है। अब यहां पे जिम्बाब्वे के बारे में थोड़ी सी बातें पढ़ लो, ठीक है। तो जिम्बाब्वे के बारे में थोड़ी सी बातें पढ़नी है। जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या है? हरारे। हरारे जिम्बाब्वे की कैपिटल है। और इमर्सन कौन है दोस्तों? इमर्सन मंगावा, जो इमर्सन नंगावा थे हमारे, वो यहाँ के प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो हरारे यहाँ की कैपिटल है, इमर्सन मंगावा मेरे दोस्तों यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये चीजें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। क्लियर हो रही है मेरी बात आप लोगों को? अगर क्लियर हो रही है तो बता दीजिएगा। इधर आपके कमेंट बंद हो गए हैं तो कमेंट आपके ओपन कर दिए गए हैं, ठीक है, चलिएगा। कोई डाउट यहां पर हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं सारी चीजों के बारे में, ओके। चलिए, तो ये आप लोगों के लिए क्लियर हो गया है, ओके, बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया, शानदार तरीके से। चलिए हरारे, अगला क्वेश्चन दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो ये आप लोगों की जो राउंड बॉल होती थी ना, राउंड बॉल, ये आपको फोटो लगा हुआ है, ये राउंड बॉल जो है जिम्बाब्वे बड़ा फेमस था इनके लिए, तो राउंड बॉल के लिए जिम्बाब्वे फेमस हुआ करता था। दोस्तों हर्षवर्धन, अब इंपोर्टेंट अवार्ड भी देख लो साथ के साथ। तो दोस्तों ये क्या है? हर्षवर्धन है। तो जो हमारे हर्षवर्धन थे, अगर मैं हर्षवर्धन की बात करूंगा तो तंबाकू कंट्रोल के लिए, तंबाकू नियंत्रण के लिए WHO ने पुरस्कार दिया है। दोस्तों एक है जॉर्डन क्लार्कसन, कौन है? जॉर्डन क्लार्कसन है, ये नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का 6th मैन अवार्ड मिला है। तो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का 6th मैन अवार्ड मिला है इनको मेरे दोस्तों, याद रखेंगे, आरक्षित भूमिका में योगदान के लिए। तो बस इतना पूछा जाएगा कि NBA का जो 6th मैन अवार्ड है मेरे दोस्तों, जो हमारा नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन है, जो हमारा बास्केटबॉल है मेरे दोस्तों, कितने प्लेयर होते हैं? 5 प्लेयर होते हैं। तो छठा बंदा जो रिजर्व कैटेगरी में बैठा होता है उसके लिए ये पुरस्कार मिला है जॉर्डन क्लार्कसन को, ठीक है दोस्तों। और डेविड डायोप, आप लोगों ने पढ़ा था डेविड डायोप, इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है, किसके लिए? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को देखो ध्यान से समझनी है, ओके। तो ये मैं साथ के साथ इसलिए बताता चल रहा हूं क्योंकि 2 दिन बाद आप भूल जाते हो, ठीक है, तो अब भूलने नहीं दूंगा मैं, आप बेफिक्र रहना। तो डेविड डायोप हमने पढ़ा था, हमने हर्षवर्धन पढ़ लिया था, ये हमारे लिए नया है जॉर्डन क्लार्कसन। तो दोस्तों NBA का 6th मैन अवार्ड मिला है इनको, ध्यान रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है।
याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, एक अवार्ड हमने पढ़ा था नितिन राकेश और जेरी विंड के बारे में, नितिन राकेश और जेरी विंड के बारे में हमने पढ़ा था। तो जो हमारा नितिन राकेश है और जो हमारा जेरी विंड है, अगर मैं उनके बारे में आप लोगों से बात करूंगा तो देखो ध्यान से, इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड, इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड, बस इतना याद रखना, नितिन राकेश जेरी विंड हमने पढ़ा हुआ था। और थॉमस विज्ञान का पढ़ा नहीं था हमने फोटोग्राफर में मेरे दोस्तों, थॉमस विज्ञान TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, ठीक है। वो आप लोगों का जो बंदर की सी फोटो थी ना, चिपके हुए बंदर की फोटो खींची हुई थी इन्होंने, फोटो में दिखाया था मेरे दोस्तों, फॉर द फोटो ऑफ एन ओंटागन क्लिंगिंग टू ए ट्री, तो थॉमस विज्ञान थे, ये आपको याद रखना है दोस्तों। वाटर ब्रिंडल, ये पिक्चर है आप लोगों की, अरुणाचल प्रदेश की, नेशनल अवार्ड मिला है 67वां नेशनल अवार्ड इसको मिला है, याद रख लीजिएगा। और दोस्तों ये तो हमारी टिड्डी, फिर से आ गई हमारी टिड्डी, तो टिड्डी को पेन पिंटर प्राइज मिला है, जो टिड्डी है अपनी पेन पिंटर प्राइज मिला है, याद रखेंगे, जिम्बाब्वे की है, ठीक है। और दोस्तों जो आपके कौन है, माइकल कॉल है, इनको बफ्ता टीवी अवार्ड, तो बफ्ता टीवी अवार्ड अभी मैं आगे पढ़ाने वाला हूं, तो बफ्ता टीवी अवार्ड मैं लिस्ट में आपको दे देता हूं, लेकिन बफ्ता टीवी अवार्ड बाद में याद करवा दूंगा। क्लियर हो गई सारी चीजें, तो अवार्ड भी रिवाइज हो गए, चलिएगा बहुत बढ़िया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट से, चीजें समझ में आ रही हैं तो लाइक करने में गुरेज मत करना भैया। असम का 7वां नेशनल पार्क आपके सामने आ चुका है, देहिंग पटकई नेशनल पार्क, ठीक है। पहले देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ करता था, अब असम के 7ों नेशनल पार्क, तो 7ों जन्म में तुझे हम जो है क्या कहते हैं, असम के नेशनल पार्क नहीं भूलेंगे मेरे दोस्तों। सबसे पहले याद रखेंगे काजीरंगा नेशनल पार्क, कहां का है काजीरंगा नेशनल पार्क, असम का है। नामेरी नेशनल पार्क कहां का है, असम का है दोस्तों। औरंग नेशनल पार्क कहां का है हमारा मेरे दोस्तों, कहां का है, असम का है दोस्तों। डिब्रूगढ़ नेशनल पार्क कहां का है, तो डिब्रूगढ़ नेशनल पार्क कहां का है, असम का है दोस्तों। काजीरंगा, नामेरी, औरंग, मानस नेशनल पार्क कहां का है, तो मानस नेशनल पार्क ये भी असम का है दोस्तों। लेकिन अभी जो हाल ही में छठा बनाया गया है वो है रायमोना, क्या है, रायमोना नेशनल पार्क दोस्तों। और जो हमारा 7वां बनाया गया है वो है मेरे दोस्तों देहिंग पटकई नेशनल पार्क। तो ये नेशनल पार्क आई थिंक मेरे सभी साथियों को याद होगा, इसमें कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए, इसमें सारी चीजें आप लोगों को मालूम होंगी, ठीक है। तो कोई डाउट है कैसा भी आप लोग मुझे यहां पर बता सकते हैं। अब दोस्तों अगर मैं आगे की बात करता हूं तो ध्यान से समझना, असम की दोस्तों सबसे पहले तेल का कुआं पूरे एशिया में कहां खोला गया था, तो सबसे पहले जो तेल का कुआं है वो असम के डिगबोई में खोदा गया था, ठीक है दोस्तों। यहां पर दूसरा क्या बनेगा, यहां पर मेरे दोस्तों 13 गार्डियन मिनिस्टर, तो जो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा, उन्होंने 13 गार्डियन मिनिस्टर लगाए हैं 34 जिलों के लिए। और दोस्तों जो हमारा असम है, अगर मैं असम के बारे में ही आप लोगों से बात करूंगा, तो असम के अंदर आपका क्या है, सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है माजुली आइलैंड, ये चीजें आपको मार्क करके चलनी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, तो अगला प्रश्न क्या कहता है ध्यान से समझ लीजिएगा। अगला प्रश्न जो कहता है अगर हम उसके बारे में पढ़ेंगे तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, आजकल हम बहुत यूनिवर्सिटी रैंकिंग पढ़ रहे हैं, एक बार समझ लीजिएगा। अगर मेरे दोस्तों हमने क्या पढ़ा था, हमने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग पढ़ा था, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी रैंकिंग हमारी निकल करके आई थी थोड़े दिन पहले हमने पढ़ा था, उसमें हमने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को नंबर वन रखा था। एशिया रैंकिंग जब निकल करके आई थी तो उसमें दोस्तों हमने क्या रखा था, एशिया रैंकिंग में हमने सबसे पहले रखा था सिंघुआ यूनिवर्सिटी को, चाइना को, तो कंफ्यूज नहीं होना हम। और अगर हम बात करेंगे QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो MIT है आपका वो मेरे दोस्तों पहले नंबर पर आता है, सेकेंड पर ऑक्सफोर्ड है, तीसरे पर स्टैनफोर्ड है, जबकि 177 मतलब टॉप 200 में क्या था, तीन भारतीय हैं, 177 पर IIT बॉम्बे है, 185 पे IIT दिल्ली है और 186 पे आप लोगों का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु है। समझ में आ गई होंगी सारी की सारी चीजें, चलिएगा। तो दोस्तों अगर हम बात करेंगे यहां पर तो क्या निकल करके आता है, अगर हम यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करेंगे, कौन सी, सेंट्रल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करेंगे, तो उसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो थी वो नंबर वन थी। एशिया की बात करेंगे तो दोस्तों उसमें कौन थी, सिंघुआ,
जो सिंगहुआ यूनिवर्सिटी है चाइना की, वो नंबर वन थी, और आप लोगों की क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में एमआईटी नंबर वन पे है। ये चीजें याद में रखनी है, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए किताब से आ जाता है दोस्तों। तो किताब से जब भी हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्या किताब है आप लोगों की, स्किल इट किल इट। तो स्किल इट किल इट ये किताब है, रोनी स्क्रू वाला की किताब है। बस डायरेक्टली किताब है, याद रखेंगे रोनी स्क्रू वाला की किताब है स्किल इट किल इट। ये लाल किताब आप लोगों के सामने है। तो किताबें कितनी हो गई आपके पास, किताबें हो गई चार। चार कौन कौन सी, स्टार गेजिंग, किसकी किताब है स्टार गेजिंग। तो स्टार गेजिंग जो किताब है वो है मेरे दोस्तों रवि शास्त्री की, ठीक है। उसके बाद सावरकर ए कॉन्टेस्टेड लीगेसी, ये किसकी किताब है, ये किताब है विक्रम संपत की, याद हो गई होगी दोस्तों। 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम, 1232 किलोमीटर, तो पत्रकार है विनोद कापरी, उनकी मेरे दोस्तों किताब है। और स्किल इट मेरे दोस्तों आप लोगों की जो किताब है स्किल इट किल इट, ये किसकी है, रोनी स्क्रू वाला की है। तो चारों किताब मेरे साथियों आप लोगों के पास में आ चुकी हैं, ये चीजें आपको ध्यान में हो गई होंगी। अगला क्वेश्चन आप लोगों का आ जाएगा दोस्तों, क्रिस जो है आप लोगों के, अगर हम बोलेंगे यहां पर तो क्रिस ब्रॉड टू बी मैच रेफरी फॉर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए मैच रेफरी होंगे क्रिस ब्रॉड, ठीक है। मतलब आप लोगों को बता दूं मैं, इस बार पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेली जा रही है। कहां खेली जा रही है सर जी, ये खेली जा रही है यूके में, कहां पर, इंग्लैंड में। टीमें कौन कौन है, भारत न्यूजीलैंड आप सभी लोग जान रहे हैं। तो दोस्तों जो यूके के अंदर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेली जा रही है आप लोगों की, उसमें जो मैच रेफरी होंगे वो कौन होंगे, क्रिस ब्रॉड होंगे। कौन होंगे, क्रिस ब्रॉड होंगे, ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो क्रिस ब्रॉड जो है वो मैच रेफरी है। अच्छा अब हम यहां पर क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, अब यहां पे हम जो चीजें पढ़ने वाले हैं वो क्या है दोस्तों, आने वाले T20 वर्ल्ड कप में कितनी टीमें हिस्सा लेंगी, 20 टीमें हिस्सा लेंगी। तो जो भी आपका T20 वर्ल्ड कप 2024 से होगा, कितनी टीमें हिस्सा लेंगी, 20 टीमें हिस्सा लेंगी। और दोस्तों जो भी आप लोगों का ODI वर्ल्ड कप होगा, कब से, 2027 से, कितनी टीमें भाग लेंगी, 14 टीमें भाग लेंगी। और दोस्तों यहां पर आप लोगों का अगर मैं बता दूं तो जो हमारी चैंपियंस ट्रॉफी होगी उसमें 8 टीमें भाग लेंगी, ये भी आपको याद में रखना है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा दोस्तों। ICC है उसका ऑफिशियल पार्टनर भारत पे बना है 2023 के लिए, जो ICC है उसका ऑफिशियल पार्टनर कौन है, भारत पे बना है 2023 तक के लिए। ये सभी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, क्लियर आप लोगों को हो गई होंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप लोगों की कुछ और नियुक्तियां हैं तो इन नियुक्तियों को भी देख लो। संजीव सहाय कौन नियुक्त हुए हैं, तो संजीव सहाय जो है PNGRB हमारा, अगर हम बात करेंगे तो चेयरमैन ऑफ ऑयल रेगुलेटर PNGRB, तेल नियामक जो है हमारा मेरे दोस्तों, पेट्रोलियम नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, उसके अध्यक्ष कौन है, हमारे संजीव सहाय हैं। हितेंद्र दवे HSBC के CEO हैं, सबको मालूम है। अनूप चंद्रा मेरे दोस्तों इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए हैं, अनूप चंद्रा। वाइस एडमिरल राजेश मेरे दोस्तों, तो राजेश जो है वो नेवल के जो ऑपरेशन है उसके डायरेक्टर जनरल हैं, नेवल ऑपरेशन के डायरेक्टर जनरल हैं, जबकि रवनीत सिंह जो हैं वो नेवी के डिप्टी एडमिरल हैं। एंटोनियो गुटेरस दूसरी टर्म के लिए तैयार हैं, जो इनकी टर्म होती है UNO के सेक्रेटरी जनरल की वो 5 साल की होती है दोस्तों। चंद्रशेखर घोष जो है वो बंधन बैंक के CEO फिर से रीअपॉइंट हो गए हैं। आगे चलते हैं एक और अपॉइंटमेंट की तरफ शानदार तरीके से। आई थिंक मेरे ख्याल से सब चीजें समझ में आ रही होंगी, अब तो नहीं भूलोगे आप लोग, अब तो नहीं भूलने वाले हो, अगर अब नहीं भूलने वाले हो तो बता दीजिएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पर आप लोगों के सामने क्या रहा है, RBI अप्रूव्ड रीअपॉइंटमेंट ऑफ गिरीशचंद चतुर्वेदी एज नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ ICICI। तो जो ICICI बैंक है उसमें मेरे दोस्तों नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया है अपना, किसको मेरे दोस्तों, यहां पे गिरीशचंद्र चतुर्वेदी या GCC को, गिरीशचंद्र चतुर्वेदी ICICI बैंक के मेरे दोस्तों क्या है, अगर हम बात करेंगे तो ध्यान से समझेंगे, गिरीशचंद्र चतुर्वेदी जो है वो आप लोगों के क्या है, ICC आप लोगों के हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिएगा समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है।
उसके बाद दोस्तों आईसीसी के कौन है, संदीप बख्शी हैं। आईसीआईसीआई के कौन है, संदीप बख्शी हैं। कौन है, संदीप बख्शी हैं। ये चीज आप लोगों को मालूम होनी चाहिए थी। अब गिरीश चंद्र चतुर्वेदी आईसीसी के, आईसीआईसीआई के कौन है, पार्ट टाइम है दोस्तों। एम आर कुमार कौन है, सर जी ये एलआईसी के हैं, याद रखेंगे। महेश कुमार जोन आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं, और स्फूर्ति प्रिया जो हैं वो फेसबुक की ग्रेवियंस ऑफिसर हैं, याद रखेंगे। समझ में आ गया आप लोगों को, क्लियर हो गया है सारी चीजें। तो जो फेसबुक की ग्रेवियंस ऑफिसर हैं वो कौन बनी है आप लोगों की, स्फूर्ति प्रिया है। तो ये सब अपॉइंटमेंट साथ के साथ भी बताते चल रहा हूं। सहवाग ने बात करते हैं दोस्तों, किसकी, सहवाग की। तो यहां पर जो हमारे कौन है, सहवाग है, उन्होंने एक वेबसाइट को लॉन्च किया है। तो सहवाग की जो वेबसाइट है वो क्रिकेट कोचिंग वेबसाइट है, कौन सी, क्रिक गुरु। क्या है दोस्तों, क्रिक गुरु। तो जो क्रिक गुरु वेबसाइट है ये किसकी है, सहवाग ने शुरू की है। तो सहवाग ने शुरू की क्रिकेट कोचिंग वेबसाइट किकरू किकरू किकरू, ये चीज ध्यान रखेंगे। आप लोगों से पूछा जाएगा जो किकरू है वो किसने शुरू की है, वीरेंद्र सहवाग ने। भैया वीरेंद्र सहवाग जो है वो भारत की तरफ से इकलौते बैट्समैन हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 300 प्लस लगाए हुए हैं। 309 की बात हो या 319 की बात हो, एक ही बात दोस्तों आती है, चलिएगा। अब जब क्रिकेट की बात आएगी तो दो चार चीजें मैं आप लोगों को जरूर पढ़ाऊंगा, यहां पे सुन लीजिएगा दोस्तों। आईसीसी ने अवार्ड दिए थे डिकेड के, डिकेड के मतलब जो हमारे दशक के अवार्ड होते हैं, तो 10 सालों में एक बार अवार्ड मिलता है। तो आईसीसी ने डिकेड के अवार्ड दिए थे 2011 से 2020 के लिए। तो यहां पर आईसीसी ने मेरे दोस्तों T20 कैप्टन किसको नियुक्त किया था, बता देंगे आईसीसी के जो डिकेड के अवार्ड थे। ऐसे ही आईसीसी ने ओडीआई कैप्टन किसको नियुक्त किया था दोस्तों, जल्दी से बता देंगे। और ऐसे ही आईसीसी ने टेस्ट कैप्टन किसको नियुक्त किया था, ये आप लोग मुझे क्या करेंगे, बता देंगे, ठीक है दोस्तों, चलिएगा। तो T20 जो कैप्टन है आप लोगों की, जो T20 कैप्टनशिप है, अगर हम उसके बारे में बात करेंगे तो T20 कैप्टनशिप जो है वो किसको मिली थी दोस्तों, तो T20 कैप्टनशिप जो मिली थी वो मिली थी महेंद्र सिंह धोनी को। और हमारी जो ओडीआई कैप्टनशिप के लिए अवार्ड है वो भी महेंद्र सिंह धोनी को। टेस्ट कैप्टन मिला था विराट कोहली को, समझ में लग गए, चलिएगा दोस्तों। अगर इसमें T20 प्लेयर का अवार्ड आ जाए तो वो किसको मिला था, ओडीआई प्लेयर का अवार्ड किसको मिला था, ठीक है दोस्तों। और आपका टेस्ट प्लेयर का अवार्ड किसको मिला था, तो ये आप लोग मुझे क्या करेंगे, बता देंगे। अगर मैं T20 प्लेयर के बारे में बात करूंगा तो जो T20 प्लेयर का अवार्ड था वो आप लोगों को किसको मिला था, तो T20 प्लेयर का अवार्ड मिला था राशिद खान को, ओडीआई प्लेयर मिला था विराट कोहली को, और टेस्ट प्लेयर मिला था स्टीव स्मिथ को, याद रखेंगे। ये सभी आप लोगों के थे, ये अवार्ड आपको जरूर याद रखने हैं, ठीक है, चलिएगा। इंक डार्क कर लो, बिल्कुल जी इंक डार्क कर लेंगे, मैं दो चार दिन में आपको लिखी हुई पीडीएफ देने लगूंगा। एक्चुअल में जब पीडीएफ के अंदर पेज 100 से ज्यादा हो जाते हैं तो आपको लिखी हुई नहीं मिलती, तो वो डार्क हो जाएगी। ये थोड़ा लाइट में चलता है क्योंकि पावर पॉइंट पे चलाता हूं मैं, ठीक है। तो थोड़े दिन में 100 के अंडर अंडर पेज करके वापस आपको सारी चीजें जो हैं वो मिलने लगेंगी, बेफिक्र रहो। इंक भी डार्क होगी, कंटेंट भी डार्क हो जाएगा, और बताइएगा, समझ में आ रही है चीजें, चलो ठीक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पर जो है आप लोगों का अगर हम बात करेंगे तो एक और आपकी एक्सरसाइज है, तो कुछ एक्सरसाइज के बारे में जल्दी से पढ़ेंगे, ओके। तो आपको तीन चार दिन रुक जाओ, लिखी हुई पीडीएफ मिला करेगी, ठीक है, चलो आगे आ जाओ फटाफट से। चीजें समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है, बहुत बढ़िया, ठीक। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करेंगे, बहुत बढ़िया, ठीक है दोस्तों, 31वां एडिशन है, सबसे ज्यादा जरूरी यही है, 31वां एडिशन है इंडो थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड जो पेट्रोल, इंडो थाईलैंड जो कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल है आप लोगों का, अगर हम उसके बारे में बात करेंगे तो ये कहां पर मेरे दोस्तों एक्सरसाइज है इंडिया और थाईलैंड की, कहां पर दोस्तों, अंडमान सी में शुरू हुई है, 31वें नंबर की है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। एक्सरसाइज का नाम क्या है, कॉर्पेट। तो कॉर्पेट जो है वो एक्सरसाइज है जो कि इंडिया की और थाईलैंड की है, अंडमान सी में शुरू हुई है, 31वां नंबर है, ये जरूर आप लोग याद रखेंगे। अब दोस्तों अगर कोई आपसे पूछने लगे कि मैत्री, मेरे दोस्तों कोई पूछने लगे मैत्री, मैत्री भारत की किसके साथ में एक्सरसाइज है, तो मैत्री भारत की थाईलैंड के साथ में एक्सरसाइज है, किसके साथ में, थाईलैंड के साथ में आर्मी एक्सरसाइज है दोस्तों। अगर मैं पूछने लगूं आपसे मित्र शक्ति, क्या पूछने लगूं, मित्र शक्ति के बारे में, तो मित्र शक्ति किसके साथ में है,
तो मित्र शक्ति जो है दोस्तों ये श्रीलंका के साथ में है, ठीक है। अच्छा मैं पूछने लगूं समुद्र शक्ति, मैं पूछने लगूं समुद्र शक्ति, तो समुद्र शक्ति किसके साथ में है? समुद्र शक्ति जो है दोस्तों ये इंडोनेशिया के साथ में, किसके साथ में है? इंडोनेशिया के साथ में समुद्र शक्ति है। और दोस्तों अगर हम आगे बात करेंगे तो ये देख लेना, ये है अंडमान सी, यहां पर ये एक्सरसाइज आप लोगों की होगी, ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों अगर हम आगे बात करेंगे तो केवल शक्ति अगर हम पढ़ते हैं, केवल शक्ति हम पढ़ते हैं तो ये होगी फ्रांस के साथ में, किसके साथ में होगी? फ्रांस के साथ में होगी केवल शक्ति। दोस्तों अगर हम बात करेंगे आप लोगों से नॉर्मली तो केवल शक्ति फ्रांस के साथ में हो गई। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं वरुण, ठीक है, तो वरुण ये भी फ्रांस के साथ में नेवी एक्सरसाइज है। एक हम पढ़ते हैं गरुण, एक हम पढ़ते हैं गरुण, ये भी मेरे दोस्तों फ्रांस के साथ में है, याद रखिएगा। एक है दोस्तों इंद्रधनुष, क्या है? इंद्रधनुष, तो इंद्रधनुष जो है वो किसके साथ में है? यूके के साथ में है। एक है अजय वॉरियर, एक है अजय वॉरियर, तो अजय वॉरियर किसके साथ में है? अजय वॉरियर भी यूके के साथ में है। एक है दोस्तों हरिमाऊ शक्ति, कौन सी है? हरिमाऊ शक्ति, कौन सी है? हरिमाऊ शक्ति, तो हरिमाऊ शक्ति किसके साथ में है? ये मलेशिया के साथ में है साथियों, ठीक है। अगर हम बात करेंगे, मैं इंपोर्टेंट आपको बता रहा हूं, हरिमाऊ शक्ति है। एक मेरे दोस्तों नोमैडिक एलिफेंट, नोमैडिक एलिफेंट, तो जो नोमैडिक एलिफेंट है मेरे दोस्तों ये किसके साथ में है? तो नोमैडिक एलिफेंट जो है वो मिलेगी आपको किसके साथ में? नोमैडिक है मंगोलिया के साथ में, मंगोलिया के साथ में, ठीक है। तो इन सभी चीजों को झोले में रख लेंगे अपने, शक्ति वरुण गरुण इंद्रधनुष है, अजय वॉरियर है, ठीक है। तो और भी बहुत सारी एक्सरसाइज है जो आप लोगों को पूछी जाती है, समझ में आ रही है सारी चीजें दोस्तों? तो ये आप लोगों के थे, अब जल्दी से फटाफट हम एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। ये आप लोगों की कुछ न्यूज थी जो मैंने आपको बताई है, यहां पर आप लोगों को होप्स हो सारी चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी, सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार थम्सअप दिखा दो, लाइक कर दो, 15 एमसीक्यू है उनकी तरफ बढ़ जाते हैं फटाफट से, ठीक है, चलिएगा। सब मामला क्या हो गया? पसीना पसीना हो गया, ठीक है। अभी जहां से मैं पढ़ाता हूं भी इसमें आपका फैन भी नहीं है, ठीक है, लगेगा दूसरी जगह पर, ओके चलो। ठीक है, तो झोले में डाल लिया सबने फटाफट, ठीक है दोस्तों। ये क्या है आप लोगों का? 15 एमसीक्यू है, ताबड़तोड़ मामला कर देंगे, रचा देंगे इतिहास, ठीक है दोस्तों। यहां पर जो है कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड है साइंड एमओयू विद स्टेट टू मेक इट कार्बन न्यूट्रल आप लोगों का, तो जल्दी से बता दीजिएगा, जो कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड है उसने किस राज्य के से केंद्र शासित प्रदेश में कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए समझौता किया है? तो मैं इसको क्या रैपिड फायर में करवा रहा हूं क्योंकि टाइम भी हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है, फिर दूसरी क्लास का टाइम भी होगा। तो दोस्तों यहां पर अगर हम बात करेंगे तो यहां पर आपका लद्दाख है, क्या है? लद्दाख है, ठीक है, चलिएगा। दोस्तों इनको मैं डिस्कस नहीं करूंगा, मैं थोड़ा सा इनको जल्दी जल्दी मैं आपको करवा देता हूं, ध्यान से समझना दोस्तों। केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति CSMS ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने घरों के निर्माण को मंजूरी दी है? तो जो CSMS है, एक समिति हमारी बनाई गई थी दोस्तों, इसने मेरे दोस्तों के तहत कितने घरों के निर्माण को मंजूरी दी है? तो आज रात को 8 बजे स्टैटिक GK की मैराथन है, आज रात को 8 बजे स्टैटिक GK की मैराथन है। तो दोस्तों ये आप लोगों के कितने घरों को मंजूरी दी है? 3,61,000 घरों को मंजूरी दी है। कौन सा देश औपचारिक रूप से बिटकॉइन को मेरे दोस्तों लीगल टेंडर घोषित कर दिया है? तो जो बिटकॉइन है आप लोगों का उसको लीगल टेंडर किसने घोषित किया है? तो एल साल्वाडोर ने, किसने? एल साल्वाडोर ने मेरे दोस्तों उसको बिटकॉइन घोषित कर दिया है, ठीक है। ये जो है 3.61 लाख है, 3.05 नहीं है, 3.61 लाख है, उसको आप अपने एंड पे करेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, विश्व प्रत्यायन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड एक्सीलरेशन जो डे है आप लोगों का वो कब मनाया जाता है? तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा 9 जून, क्योंकि दोस्तों 7 जून को हम क्या मनाते हैं? 7 जून को हम मनाते हैं मेरे दोस्तों फूड सेफ्टी डे, 8 जून को हम क्या मनाते हैं? ओशन डे, और 6 जून को हम मनाते हैं पेस्ट डे। जल्दी से बताएंगे
किस केंद्र शासित प्रदेश ने विशेष रूप से स्थानीय लोगों के लिए नौकरियां आरक्षित करने का निर्णय लिया है? तो नौकरियां आरक्षित करने का जो निर्णय लिया है वो किसने लिया है? लद्दाख ने। मतलब जो क्या कहते हैं लोकल लोग होंगे लद्दाख के, उनके लिए क्या होगा, उनके लिए जो जॉब है वहां की वो क्या कर दी जाएंगी, फिक्स कर दी जाएंगी, मतलब आरक्षण दे दिया जाएगा उनको। ठीक है, चलिएगा दोस्तों। वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत सरकार का विनिवेश लक्ष्य कितनी राशि निर्धारित की गई है? मतलब जो दोस्तों 2022 है उसके लिए, मेरे दोस्तों भारत सरकार के लिए जो 2022 है भारत सरकार के लिए, अगर कोई आपसे पूछे तो जो विनिवेश लक्ष्य है वो आप लोगों का कितना निर्धारित किया गया है, मतलब कितने रुपए का आइटम बेच देना है। ठीक है, जैसे LIC में शेयर बेच दिए जाएंगे, जैसे आपका इंडियन ओवरसीज बैंक में शेयर बेच दिए जाएंगे, उसको तो खैर पूरा ही बेच दिया जाएगा। तो ये आप लोगों का मेरे दोस्तों कितना है, 1.75 लाख करोड़ है। ये आपसे इंपोर्टेंट प्रश्न पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2021 विश्व प्रत्यायन दिवस का विषय क्या है? तो वर्ल्ड एक्रीडेशन जो डे है आप लोगों का, उसकी थीम क्या है? तो दोस्तों एक्रीडेशन इंप्रूव फूड सेफ्टी, नहीं, 9 जून को मनाते हैं, डायरेक्टली पढ़ लीजिएगा। जो एक्रीडेशन, सपोर्टिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, तो सपोर्टिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, थीम बड़ी दिख रही है लेकिन आसान है, सपोर्टिंग द। कल का सेशन जो होगा वो थीम बेस्ड होगा, कल को मैं थीम आप लोगों को कराने वाला हूं, आज कराने वाला था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, कौन सा देश अपना पहला पूरी तरह से स्टील्थ नौसैनिक युद्धपोत बना रहा है? मेरे दोस्तों फर्स्ट फुली स्टील्थ नेवल वॉरशिप अपना बना रहा है, फर्स्ट फुली स्टील्थ मेरे दोस्तों आप लोगों का जो नेवल शिप है वो कौन बना रहा है? तो यहां पर आ जाएगा रशिया, रशिया, रशिया। मैं टाइम की वजह से इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, लेकिन सब सुबह को कर दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कहां गया ये रहा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का एक गांव व्यसकों का 100% टीकाकरण हासिल करने वाला भारत का पहला गांव बन गया है? मेरे दोस्तों वो कौन सा गांव है जो आप लोग, मतलब कौन से स्टेट का गांव है जिसमें सबका टीकाकरण हो गया, 100% आप लोगों का टीकाकरण हो गया है? तो जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर आ जाएगा दोस्तों। बफ्ता में अग्रणी अभिनेत्री पुरस्कार किसको मिला है? तो बफ्ता में जो अग्रणी अभिनेत्री पुरस्कार मिला है वो मिला है मिशेला कॉयल को। किसको मिला है? मिशेला कॉयल को मिला है, मतलब माइकला कॉल को मिला है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बफ्ता टीवी अवार्ड में लीडिंग एक्टर किसको मिला है? तो लीडिंग एक्टर मेरे दोस्तों कौन है आप लोगों के? पॉल मेस्कल, लीडिंग एक्टर पॉल मेस्कल। ये सब चीजें आपको बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, MCQ नए थे आप लोगों के लिए सारे के सारे। मेरे दोस्तों सर्वश्रेष्ठ नाटक श्रृंखला कौन सी है? सेव मी टू। तो सर्वश्रेष्ठ नाटक श्रृंखला जो बफ्टा अवार्ड है, आज शाम को 5 बजे मई के आप लोगों के हैं, ध्यान रखेंगे। उसके बाद दोस्तों क्या है, अल साल्वाडोर की मुद्रा क्या है? तो अल साल्वाडोर की जो मुद्रा है वो क्या है, डॉलर है, पाउंड है, रूबल है, रेंड है? तो दोस्तों जब भी हम पढ़ेंगे अल साल्वाडोर, जिसके बारे में भी बिटकॉइन के बारे में पढ़ा था, डॉलर डॉलर डॉलर, ये रेंड साउथ अफ्रीका की है। और दोस्तों ये 13 क्वेश्चन थे, करंट अफेयर का टेस्ट है, इसको भी जल्दी से दे डालिएगा, करंट अफेयर का टेस्ट है, इसको भी जल्दी से दे डालिएगा जो आप लोगों का ये टेस्ट है। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं दोस्तों फटाफट से, इसके अंदर आपका क्या बनेगा ध्यान से आ जाओ। ठीक है दोस्तों, अगर हम यहां पर बात करेंगे तो 76वीं संयुक्त महासभा के अध्यक्ष कौन है आप बता दीजिएगा? अब्दुल्ला साहिद है। कौन है? अब्दुल्ला साहिद। कहां के हैं? मालदीव के हैं। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन है, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान नीति आयोग ने किसके साथ में चलाया है? पीरामल फाउंडेशन के साथ में चलाया है। भारत के चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के चुनाव आयुक्त हैं अनुप चंद्र पांडे जी। कौन है? अनुप पांडे, अनुप पांडे, अनुप पांडे। सर मौका नहीं दे रहे, चलो बस जल्दी से बता दो, ग्रोथ रेट कितनी लगाई है वर्ल्ड बैंक ने? आप ही को बताना भैया ये। ठीक है, कल से टाइमर लेके आऊंगा, बेफिक्र रहना आप। जल्दी से बता दो फटाफट से, कौन है यहां पर? वित्त बैंक के 2000 भारत की दर कितना अनुमान लगाया है? 8.3, बढ़िया। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल लिवेबिलिटी में किसने टॉप किया है? कौन से शहर ने टॉप किया है ग्लोबल लिवेबिलिटी में? ग्लोबल लिवेबिलिटी में रात को 8 बजे स्टैटिक जीके की मैराथन है। आज मैं खुद से आपसे बोलूंगा कि उस मैराथन को जाकर के लाइक कर देना अभी, ठीक है? सभी साथी मेरे यहां पर 120 साथी हैं, तो 100 लाइक तो कम से कम हो जाने चाहिए उस मैराथन पे इस क्लास के बाद में, मजा सा आ जाएगा।
6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, जितने घंटे चाहोगे उतने घंटे पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए तो दोस्तों, ये ग्लोबल लिवेबिलिटी किसको मिला है? ऑकलैंड को मिला है। चंद्रशेखर घोष किस बैंक के एमडी सीईओ हैं? तो चंद्रशेखर घोष बंधन बैंक के, ये बंधन तो बैंक है। कितने जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान चलाया गया है? तो सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान 112 जिलों में, सभी को मालूम होगा। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में हिमाचल का कौन सा स्थान मिला है? तो एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में हिमाचल को कौन सा स्थान मिला है? तो हिमाचल को जो स्थान मिला है दोस्तों, तीसरा मिला है। पहला मध्य प्रदेश, दूसरा किसका है? उड़ीसा का है, ठीक है। चलिए, लापता व्यक्तियों की पहचान करने में किस संगठन ने आई फेमिलिया लॉन्च किया है? आई फेमिलिया, आई फेमिलिया बताना किसने शुरू किया है? आई फेमिलिया, आई फेमिलिया, आई फेमिलिया, आई फेमिलिया। तो दोस्तों ये आई फेमिलिया शुरू करा है किसने? इंटरपोल ने, लियोन में हेडक्वार्टर है। टाइम्स हायर एजुकेशन में मेरे दोस्तों कौन सा भारतीय विश्वविद्यालय जो है वो शीर्ष पर है? सभी को मालूम है IISc बेंगलोर, IISc बेंगलोर है। और अगर हम इसको ले जाएं किसमें? QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, तो IISc बेंगलोर 186वें नंबर पे आता है, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, कौन सी कंपनी 2023 तक ICC की आधिकारिक भागीदार बन गई है? तो ICC की जो आधिकारिक भागीदार बन गई है वो कौन है? आप लोगों की भारत पे है। अगला क्वेश्चन है आपका, किसने द टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 में टॉप किया है? द टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 में टॉप करने वाली कौन है? रिया चक्रवर्ती हैं। और अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहां पर है? दुबई के अंदर है, सभी लोग जान ले रहे हैं इन सभी चीजों को। और अगला प्रश्न जो आ जाएगा, संयुक्त राष्ट्र महासचिव के कार्यकाल की अवधि क्या है? तो 5 साल की होती है, एंटोनियो गुटेरेस का बढ़ाया जा रहा है। और दोस्तों ये आज का आप लोगों का रिवीजन तो नहीं करा इसमें, लेकिन अगर हम बात करेंगे तो इसमें आप लोगों का आज का होमवर्क सिक्सर है, तो होमवर्क सिक्सर आप लोगों को मारना है। आप होमवर्क का आंसर करोगे अच्छा लगेगा। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, बाल श्रम के खिलाफ दिवस कब मनाया जाता है? होमवर्क है दोस्तों। जून 2021 में किस देश ने अंतरराष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल के 18वें त्रैमासिक सम्मेलन की मेजबानी की है? दूसरा होमवर्क है। तीसरा है, संजीत कुमार किस खेल श्रेणी से संबंधित एक भारतीय खिलाड़ी है? तीसरा है। चौथा है, अंतरराष्ट्रीय तैराकी महासंघ के अध्यक्ष किसे चुना गया है? चौथा होमवर्क है, ठीक है, आराम से देख लेंगे। सावरकर मेरे दोस्तों एक कॉन्टेस्ट लीगेसी, याद हो गया होगा, ये आपका 5वां होमवर्क है। और फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड TTL किसको मिला है? ये 6ठा होमवर्क है, होमवर्क में सिक्सर मारने वालों को ये। दोस्तों 2 बजे क्लास है, ठीक है, अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड करना, SSC एग्जाम सेलेक्ट करना, गौरव चौधरी सर्च करना, फॉलो करना, कोड मांगेगा GC10 लगा देना, कि स्टैटिक GK की क्लास है 2 बजे, अभी आ जाना, ठीक है। चलिएगा ये दोस्तों डाउनलोड कर लेना, ये पॉलिटी का बैच आप लोगों का चल रहा है, GC10 कोड के साथ में सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं इसका। क्लास कैसी लगी जरूर बताएंगे, ठीक है। क्लास की टाइमिंग सुबह 6 बजे है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है, GC10 कोड के साथ में। और क्लास की टाइमिंग सुबह 6 बजे है। क्लास अच्छी लगी, डाटा समझ में आया हो? क्या क्लास खत्म है? हाँ दोस्त, क्लास खत्म है। क्लास को 75 मिनट लिमिटेड है, 75 मिनट। आई थिंक 75 मिनट का सेशन शानदार आप लोगों को लगा होगा, पसंद आया होगा, चीजें पसंद आई होंगी तो बता दीजिएगा। MCQ को मैंने सिर्फ आपसे डिस्कस नहीं किया, सिर्फ आपसे आंसरबाजी की थी उसमें, ठीक है। चलिएगा तो जितनी चीजें थी आज की चीजें आपने झोले में रख ली हैं, अब उस झोले को बंद कर देना, सुबह झोला खोलना 6 बजे, और शाम को 5 बजे मई के सारे डेज एंड डेट कराने आऊंगा। देखो सेशन है, मैं दिखा देता हूं आपको, दोनों सेशन लगे हुए हैं यहां पर, देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों का जो है YouTube खोला हमने, और लेट्स क्रैक CET एग्जाम, ये रहा आप लोगों का चैनल, ठीक है, ये क्लास आप लोगों की चल रही है, इसको लाइक भी कर सकते हैं आप लोग। ये देखिएगा 50,000 आज करने थे इस क्लास में, लेकिन हुए नहीं। ये मई का है डेज एंड डेट, 5 बजे 15 मिनट का सेशन है, उससे ऊपर नहीं जाएगा, ऐसे लाइक कर देना चाहिए, ठीक है। और आपका जो दूसरा सेशन है दोस्तों, ये स्टैटिक GK आप लोगों की होगी कंप्यूटर की क्लास के बाद में, 501 क्वेश्चन कराएंगे। जब तक 501 क्वेश्चन नहीं होंगे तब तक आप लोगों को जो है इसमें रुकेंगे नहीं, ओके। तो ये आपकी स्टैटिक मैराथन की क्लास है, SSC मतलब सब एग्जाम में काम आएगी, SSC में, रेलवे, UPSI, UPD++B सब में, तो इसको कर लेना। ये मैराथन क्लास आज रात को 8 बजे शुरू होगी, खत्म कब होगी वो आप जानते हो, ठीक है, तो इसको आप लोग कर लेना। जय हिंद है, जय भारत है। चीजें पसंद आई होंगी तो लाइक शेयर करने से पीछे मत हटना, ठीक।